फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकिता किचन। आज हम बनाएंगे बहुत ही यूनिक और टेस्टी सी रेसिपी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाएंगे दिल्ली का फेमस छोले और कुलचे की रेसिपी, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। आप इसके पहले कई तरीके के छोले और कुलचे खाए होंगे। काले चने के छोले के साथ कुलचे की रेसिपी बहुत टेस्टी बनती है। इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इसे ओवरनाइट सोक कर लिया है। आप देख सकते हैं चने को हमने अच्छे से सोक कर लिया है। गर्मी के दिनों में जब भी हम चने को सोक करते हैं, थोड़ी देर अगर ज़्यादा हो जाता है तो ये अंकुरित होने लगते हैं। ये फिर सबसे पहले चने को 1 से 2 पानी धुल लेते हैं। काले चने के साथ ये कुलचे बहुत टेस्टी लगते हैं। चलिए सबसे पहले कुलचे के लिए आटा लगा लेते हैं। और साथ ही आज हम कुलचा मैदे से नहीं बल्कि आटे से बना के रेडी करेंगे। 2 से 3 कप गेहूं का आटा, आधा कप ले लिया हमने दही, और आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा हमने यहाँ ले लिया है दूध। हमने दूध को गर्म कर लिया है और कुलचा बनाने के लिए हमने यहाँ लिया है गर्म दूध। हमें यहाँ गर्म दूध ही चाहिए, आपको ठंडा दूध बिल्कुल नहीं लेना है। एक थाली में ऐसे ही करके गिरा दें और साथ ही डाल देंगे आधी कप दही। इसमें डाल देंगे 1 चम्मच चीनी का पाउडर, हमने यहाँ चीनी को बारीक पीस लिया था, 1/2 चम्मच नमक, 2 चम्मच तेल, और ये सब कुछ डालने के बाद इन्हें अच्छे से मिक्स कर लें। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है और इसे बनाना भी बहुत ज़्यादा ईजी है। तो अगर आपने इसके पहले कभी ट्राई नहीं किया तो आप एक बार मेरी रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। और अब इसमें डाल देंगे आटा। आटा को हमने पहले ही छान लिया था, थोड़ा थोड़ा डालें और इन्हें अच्छे से मिक्स करते जाएँ। ऐसे इन्हें मिक्स करते रहें और आप देख सकते हैं हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। अब बचा हुआ आटा भी इसमें डाल के मिक्स कर लेंगे। और कुलचे का आटा लगाते समय आप ध्यान रखें कि हमें इसे लगाते समय हार्ड बिल्कुल नहीं करना है, हमें इसका सॉफ्ट सा डो लगा के रेडी करना है। तो चलिए अभी ऐसे ही करके अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं दूध भी हल्का सा ठंडा हो गया, इन्हें हाथ से ही अच्छे से मिक्स कर लें और ऐसे ही करते हुए इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आप देख सकते हैं हमने आटे को लगा के रेडी कर लिया। इसे ऐसे निकाल लिया। अगर आपके भी बर्तन में चिपक रहे हैं तो हल्का सा इस पर तेल लगा लें और तेल लगा के इन्हें निकाल सकते हैं। और ऐसे ही करके इन्हें ढक दें ताकि अच्छे से सेट हो जाए। उसी तरफ हम बनाएंगे चना। और चना बनाने के लिए हमने यहाँ प्याज को लंबाई में काट लिया है, साथ ही हमने टमाटर को भी लंबाई में काट लिया है। चना हमने अच्छे से भिगो के धुल लिया है और साथ ही हमने यहाँ ले लिया कुछ खड़ा मसाला। साथ तेजपात ले लिया है, 1 बड़ी इलायची, 2 लौंग ले लिया, दालचीनी। अगर आपके घर कोई मेहमान आते हैं तो आप इसे फटाफट बना के रेडी कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है और बहुत ही जल्दी बनके रेडी हो जाता है। छोले बनाने के लिए हमने यहाँ रख लिया है कुकर गरम करने। इसमें डाल देंगे तेल। सत्ती तेल अच्छे से गरम हो गया, इसमें डाल देंगे हींग, जीरा, 1 चम्मच जीरा डाल दें। जीरा अच्छा सा भुन गया है। अब इसमें डाल देंगे तेजपात और ये अपने खड़े मसाले, और एक डाल देंगे इसे हरी मिर्च। हमारे वहाँ मिर्च कम खाते हैं इसलिए हमने यहाँ मिर्च का यूज़ कम किया है। अगर आप तीखा खाते हैं तो मिर्च का यूज़ ज़्यादा कर सकते हैं। मिर्च भी हल्का सा भुन गया, उसमें डाल देंगे लहसुन, साथ ही डाल देंगे प्याज। फ्लेम को धीमा कर लें, उन्हें अच्छे से मिक्स कर लें। आपको ये छोले की रेसिपी बहुत पसंद आए जिससे कि बहुत जल्दी बन जाता है, साथ ही बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। प्याज को अच्छे से चलाने के बाद हम यहाँ डाल देंगे टमाटर। हमने टमाटर को लंबाई में काट लिया है। आप प्याज और टमाटर दोनों को अपने हिसाब से काट सकते हैं, छोटा या बड़ा। हमें डाल देंगे नमक। नमक आप अपने छोले के हिसाब से डाल सकते हैं। डालने के बाद इन्हें अच्छे से मिक्स कर दें। टमाटर के साथ हमने नमक भी अच्छे से मिक्स कर लिया। अब सारे चने को यहाँ डाल दें। चने को डालने के बाद हमें बिल्कुल चलाना नहीं है, इन्हें ऐसे ही छोड़ दें। और साथ ही यहाँ डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला। और गरम मसाला डालने के बाद हम यहाँ प्रेशर लगा देंगे। आप अच्छे से प्रेशर लगा दें, फ्लेम को बिल्कुल मीडियम कर दें। 2 से 3 मिसल आने तक इन्हें अच्छे से पका लें। और प्याज से जो पानी रिलीज होता है उससे अच्छी तरीके से पक जाता है। आप इसे पहली बार बना रहे हैं, अगर आपको लगता है जलने का डर है तो आप यहाँ 2 से 3 चम्मच पानी का यूज भी कर सकते हैं। प्रेशर बिल्कुल अच्छे से निकल गया। तो चलिए इन्हें निकाल के एक बार ऐसे ही चेक कर लेते हैं। आप देख कलर भी कितना अच्छा आ रहा है। तो हमने फ्लेम को ऑन कर लिया, इन्हें ऐसे लाते हुए अच्छे से मिक्स कर देंगे। ऐसे ही चलाते हुए उन्हें अच्छी तरीके से मिक्स कर दें। आप देख सकते हैं जो हल्का सा प्याज दिख रहा है भूनने के साथ अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगा। प्याज को अच्छी तरह चलाने के बाद यहाँ ऐड कर देंगे मसाले। अब इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच से यहाँ डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर, हमने यहाँ कश्मीरी मिर्च का यूज़ किया है, और 1 चम्मच से थोड़ा सा कम डाल देंगे यहाँ मसाला। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ और कोई मसाला ऐड नहीं करना है, इन्हें ऐसे ही चलाते हुए 2 से 4 मिनट भून लें ताकि जो भी खड़ा प्याज दिख रहा है उसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा। ये छोला बहुत टेस्टी बनता है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। अगर आपके घर कोई मेहमान आए तो आप इसे फटाफट बना के रेडी कर सकते हैं और उन्हें ये बहुत पसंद आएगा। आप एक बार मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, वो आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे।
मसाले डालने के बाद इसके कलर कितने अच्छे आ गए। इन्हें 2 से 4 मिनट ऐसे ही चलाते हुए भून लें। देख सकते हैं ऑलमोस्ट प्याज अच्छे से इसमें डिजॉल्व हो गया है। भूनते समय इन्हें हल्का सा ढक के भूने ताकि इसकी स्मेल जो है वो बाहर ना जाए। मसाले बिल्कुल अच्छे से भून गए और साथ ही छोला भी बिल्कुल अच्छे से भून के रेडी हो गया है। तो चलिए यहाँ पानी ऐड कर देते हैं और पानी आप अपने अनुसार ऐड कर सकते हैं। आप जितना थिक रखना चाहते हैं तो आप इसमें पानी का यूज़ थोड़ा सा कम करें और अगर आप इसे थोड़ी सी और पतला करना चाहते हैं तो थोड़ा सा पानी का यूज़ और कर सकते हैं। छोला बिल्कुल अच्छे से बन के रेडी हो गया है। आप ऐसे ही एक बार थोड़ा सा एक चने को लेकर ट्राई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से टूट जा रहा है, इसका मतलब चना भी अच्छे से बॉयल हो गया है। हमारा इंस्टेंट छोला बन के रेडी हो गया। तो चलिए फ्लेम को बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ छोले में तड़का लगाने के लिए हमने यहाँ ले लिया एक पैन, इसमें डाल दिया थोड़ा सा घी और इन्हें गर्म कर लेंगे। तड़का लगाने के लिए हमने यहाँ ले लिया है 2 लाल मिर्च, लहसुन और अदरक। ऐसा गर्म होकर इसमें डाल देंगे अदरक और साथ ही यहाँ डाल देंगे लहसुन। बस ऐसे ही चलाते हुए हल्का सा भून लें। लहसुन का इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और साथ ही अदरक का भी डाल देंगे 2 लाल मिर्च। चाहे तो सिर्फ अदरक और लहसुन का भी तड़का लगा सकते हैं। हल्का सा फ्राई, हल्का सा कवर को हटा दें और थोड़ा सा ऐसे ही करके डाल दें। हम पूरा तड़का इसमें नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा यहाँ डेकोरेशन में डालेंगे। और तड़का लगाने के बाद इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा छोला बनके रेडी हो गया, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। और आप देख सकते हैं इसके कितने अच्छे कलर आए। तो चलिए इन्हें बंद करके रख देते हैं और दूसरी तरफ कुलचे की तैयारी करते हैं। हमारे कुलचे का आटा भी अच्छे से सेट हो गया है। तो हाथों पर हल्का सा इन्हें तेल लगा के फिर इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं हमने हाथों पर हल्का सा तेल नहीं लगाया था तो आटा चिपकने लगा था। हाथों पर हल्का सा ऐसे ही तेल लगा लें और फिर इन्हें अच्छे से मिक्स कर लें। और आप देख सकते हैं हमारा बिल्कुल परफेक्ट आटा बनके रेडी। तो हल्का सा ऐसे ही आटा लगा लेंगे, सूखा आटा लगा लें और छोटा छोटा बॉल तोड़ लें। बॉल आप अपने अनुसार छोटा या बड़ा तोड़ सकते हैं और इन्हें ऐसे ही करते हुए गोल कर लें। और गोल करने के बाद हल्का सा आटा इस पर ऐसे ही छिड़क दें और दोनों तरफ आटे को लगा लें ताकि ये चिपके ना। हमने यहाँ दोनों तरफ आटा लगा लिया। तो चलिए अब इन्हें बेल लेते हैं। बेलने के लिए आप सिर्फ अपने अनुसार दे सकते हैं। हमने इन्हें लंबा में बेल के रेडी कर लिया। और आप देख सकते हैं बनने के बाद इन्हें डाल देंगे थोड़ा सा ऐसे ही कलौजी। कलौजी को चारों तरफ स्प्रिंकल कर दें और साथ ही डाल देंगे थोड़ी सी कस्तूरी। मैं डालने के बाद एक बार और इन्हें अच्छे से बेल दे ताकि इस पर अच्छी तरीके से चिपक जाए और निकले ना। एक बार अच्छे से इस पर चिपक गया तो चलिए हुए हाथों पे ऐसे ही उठा लें और हाथों पे उठाने के बाद हल्का सा ऐसे ही करके चारों तरफ पानी लगा दें। आप देख सकते हैं ऐसे करके हमने इस पर चारों तरफ पानी लगा दिया। पानी को बहुत ज़्यादा नहीं लगाना लेकिन अच्छी तरीके से लगा लेना है। आप देख सकते हैं पानी अच्छी तरह लगा दिया हमने। इस पर बनाएंगे तवे पे, लोहे के तवे पे। इन्हें ऐसे ही करते हुए चारों तरफ अच्छे से फैला दें। तवे पे जाने के बाद हल्का सा पीछे की तरफ से पकने लगा है तो अब इन्हें ऐसे ही तवे को हल्का सा उल्टा कर दें ऐसे ही पीछे की तरफ और ऐसे ही करके चारों तरफ इन्हें सेक लेंगे। पीछे की तरफ ऐसे ही करते हुए चारों तरफ से सेक लेना है। फ्लेम को मीडियम कर दें और इन्हें ऐसे ही करके अच्छे से पका लेंगे। आप बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी हो गया। तो ऐसे ही करके हमने अपने कुलचे की रेसिपी बना के रेडी कर लिया। आप देख सकते हैं कितना आसानी से निकल जा रहा है। हेल्दी होता है क्योंकि हमने इसे गेहूँ के आटे से बनाया है। बेलन से इन्हें हल्के से ऐसे ही दबा दें और लोहे के तवे बनाने के लिए हमें पानी का लगाना इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चारों तरफ से ऐसे ही करते हैं पानी लगा दें। ऐसे ही करते इन्हें ऐसे ही प्रेस कर दें ताकि अच्छी तरीके से चिपक जाए, ताकि नीचे की तरफ से भी अच्छे से पक जाए। सब पक गया तो ऐसे ही इन्हें उल्टा कर दें और चारों तरफ से फिर एक बार ऐसे ही करते हुए इन्हें सेक लें। हमने कुलचा बना कर रेडी कर लिया। तो चलिए अब इन्हें सर्व कर लेते हैं। इन्हें सर्व करने के लिए हमने यहाँ ले लिया एक प्लेट और बाउल। तो ऐसे ही करके इन्हें सर्व कर देंगे। और साथ ही इन्हें और ज़्यादा डेकोरेट करने के लिए बचे हुए तड़के को इस पर ऐसे ही लगा देंगे जिससे देखने में भी सुंदर भी लगेगा और साथ ही इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो कुलचे को भी हम सर्व कर देंगे। कुलचे को सर्व करने के लिए आप बटर के साथ या घी लगा के भी सर्व कर सकते हैं। यह फेमस छोला और कुलचा बन के रेडी हो गया, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। इसके पहले ये रेसिपी ट्राई नहीं किया तो प्लीज़ एक बार ज़रूर ट्राई करें। मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे एक बार ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने फैमिली, फ्रेंड और अपने रिलेटिव में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे छोले और कुलचे की रेसिपी बन के रेडी हो गई, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय। मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।